अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शाज़ीब। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बुर्ज या आपके जोडियक साइन के मुताबिक आपका लकी जेमस्टोन कौन सा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट करता जाऊं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। जी, हमारा फर्स्ट जोडियक साइन एरीज बुर्ज अमल। बुर्ज अमल वालों के लिए लकी जेमस्टोन जो है वो है गार्नेट मरजान, जिसे इंग्लिश में रेड कोरल कहते हैं, येलो टुपास जिसे उर्दू में पीला बकराज कहते हैं, और रबी। सेकंड हमारा जोडियक साइन जो बुर्ज है वो है टॉरस। टॉरस वालों के लिए लकी जेमस्टोन है डायमंड, पीला बकराज, फिरोजा और नीलम। थर्ड हमारा जोडियक साइन जेमिनी बुर्ज जोजा। बुर्ज जोजा के लोगों के लिए जुमरद, पर्ल, ब्लू सफायर यानी ग्रीन सफायर यानी ग्रीन नीलम और डायमंड हीरे का पत्थर। कैंसर चौथा हमारा जोडियक साइन यानी बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के लोगों के लिए पर्ल, मोती, दुर्रे नजफ, मूनस्टोन, डायमंड और बकराज। हमारा फिफ्थ जोडियक साइन लियो यानी बुर्ज असद। बुर्ज असद वाले लोगों के लिए रूबी, पीला बकराज, मरजान। सिक्स्थ हमारा जोडियक साइन विर्गो। विर्गो वालों के लिए लकी जेमस्टोन जो है नीलम, फिरोजा, एमराल्ड, ग्रीन जेड। हमारा जो सेवन्थ जोडियक साइन है लिब्रा यानी बुर्ज मैजान। बुर्ज मैजान के लोगों के लिए जो लकी जेमस्टोन है उसमें डायमंड, ओपल, बकराज और जुमरद। एट पे हमारा जो जोडियक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए जो लकी जेमस्टोन है उसमें रूबी, गार्नेट, मरजान। नाइन्थ हमारा जोडियक साइन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए लकी जेमस्टोन जो है वो है पीला बकराज और रूबी। टेंथ पे जो हमारा जोडियक साइन है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए जो लकी जेमस्टोन है उसमें नीलम, गार्नेट, हीरा, फिरोजा और काला अकीक। इलेवंथ पे जो हमारा जोडियक साइन या बुर्ज है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए जो लकी जेमस्टोन है उसमें नीलम, फिरोजा और सियाह अकीक है। और लास्ट में हमारा जो जोडियक साइन है वो है पाइसिस। पाइसिस वालों के लिए लकी जेमस्टोन जो है वो है पीला बकराज, जुमरद और ओपल। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली अपने पॉजिटिव फीडबैक का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।